हाय स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। एक छोटी सी अपडेट आई है आईसीआई की। अपडेट किससे रिगार्डिंग आई है? अपडेट आई है विद रिगार्ड टू द एग्जाम फॉर्म फॉर जुलाई एंड अगस्त 2020 एग्जाम्स। इस अपडेट का जिक्र वैसे तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जो मैंने आईसीआई वेबिनार के बाद बनाई थी, उसके अंदर बता दिया था, क्योंकि इसके बारे में जिक्र ऑलरेडी आईसीआई के प्रेजिडेंट साहब ने उस वीडियो में किया था। इशू क्या था? इशू था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर दिया है अगस्त एग्जाम के लिए, वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड 19 की वजह से वो कहीं ना कहीं जहां पर एग्जाम देना प्लान कर रहे थे अब उस सिटी के अंदर नहीं है, वो अपने होम टाउन चले गए हैं या किसी और सिटी के अंदर हैं जहां पर वो अपना एग्जाम देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट बार बार इंस्टीट्यूट को जा रही थी कि हमें एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए अपना अथॉरिटी दी जाए, एग्जाम फॉर्म को टू दैट एक्सटेंट एडिट किया जाना चाहिए। तो आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब ने ये चीज क्लियरली बोली थी कि हम ये फैसिलिटी लाएंगे, और अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये फैसिलिटी कब से आएगी। 7 जून से, 7th ऑफ जून से आपके एग्जाम फॉर्म जो ऑलरेडी आप भर चुके हो उनमें करेक्शन विंडो आएगी, और सिर्फ क्या करेक्ट कर पाओगे? अपना एग्जाम सेंटर। ये जो अपडेट आई है वो क्लियर कट कह रही है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू वंस अगेन ओपन द ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर सीकिंग द चेन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। 7 तारीख को ये विंडो खुलेगी और 9th को ये बंद हो जाएगी। तो ध्यान देना, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ये विंडो ओपन हुई है। बड़े ध्यान से इन 3 दिनों में अगर आप अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिएगा। साथ साथ एक चीज और बार बार बच्चों के सामने आ रही थी कि सर क्या हम अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं? मान लो हम सीए इंटर और फाइनल के अंदर और हमने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया था, एग्जाम फॉर्म में भरा था, क्या अब हम उसको चेंज करके बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स, हो सकता है शायद सेकंड ग्रुप की तैयारी भी कर ली हो इन दिनों के अंदर, तो उस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन पहले भी एक्सपेक्टेड था। क्लैरिफिकेशन यही आई है कि आप एग्जाम फॉर्म नहीं चेंज, एग्जाम फॉर्म में सिर्फ यही चेंज कर सकते हैं, कोई भी और चेंज अलाउड नहीं होगा इसके अंदर। देयर विल नो चेंज इन द ग्रुप और द मीडियम अप्लाइड। ग्रुप हो गया, उसकी भी चेंज नहीं किया जा सकता। मीडियम मतलब इंग्लिश में अगर आपने एग्जाम भर रखे थे, आप हिंदी में नहीं बदल सकते, वो तो टिपिकली कोई मेरे हिसाब से चेंज करेगा भी नहीं। इसके अंदर कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। छोटी सी अपडेट थी, मैंने फिर भी इस पे वीडियो बनाकर मैंने कहा आपको बता दूं, अपडेट कर दूं। सारे स्टूडेंट्स जो भी चेंज करना चाहते हैं अपना एग्जाम सेंटर, ध्यान से 7 जून का रिमाइंडर लगा लेना, 7th जून फर्स्ट डे ही अपने एग्जाम फॉर्म को चेंज कर लेना, और इंश्योर करना कि आप करेक्ट जगह पर ही अपना एग्जाम सेंटर बनो। अच्छा, इससे रिलेटेड आप आगे बहुत सारी अपडेट्स और आने की संभावना है, क्योंकि जो काफी सारी डेट्स हैं मेरे हिसाब से आईसीआई एक्सटेंड करेगा। 30 जून की जो डेट है फाउंडेशन की, जिस हिसाब से सीबीएसई ने जुलाई में एग्जाम्स रखे हैं, मेरे हिसाब से वो डेट भी एक्सटेंड होएगी। नवंबर अटेम्प्ट के ऊपर अभी तक उस दिन वीडियो के अंदर बोला था प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, कि शायद वो एक्सटेंड हो सकते हैं, उस पर भी हम क्लैरिटी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के अंदर समवेयर उसमें क्लैरिटी आएगी। जब जब ये नोटिफिकेशन या अपडेट्स आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन दी अदर वीडियोस। थैंक यू।